हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? सो अभी ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे थॉट्स आपके आते होंगे कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा। सबसे ज्यादा तो ये काउंसलिंग का हमें डर रहता है कि कॉलेजेस का हमें मोस्टली नहीं पता होता है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग हम कौन सी कॉलेज लें। दूसरी सबसे ज्यादा चीज हमें परेशान करती है कि BMS हम ले तो रहे, लेकिन उसके आगे हम करेंगे क्या, क्योंकि कोई भी ऐसे हमें BMS का पॉजिटिव एस्पेक्ट बताता नहीं है। सब नेगेटिव एस्पेक्ट ही बताते हैं कि देखो भाई, इसमें तो बिल्कुल भी स्कोप ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कौन आयुर्वेदा चूज करता है। और ये सारी चीजें जो लोग बताते हैं ना, वो खुद आयुर्वेदा के बारे में जानते नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आयुर्वेद को सपोर्ट करते हो कि हाँ यार, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन इन बहुत कुछ में आता क्या है, है ना, ये भी नहीं पता है। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि आप BMS के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, आपके लिए कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप उसमें प्राइवेट सेक्टर में क्या काम कर सकते हो, आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप क्या कर सकते हो। तो इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कॉलेजेस के बारे में जानना है कि कौन कौन सी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कौन सी बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। मैंने पूरा जितना भी मुझे मालूम था और जितना मैंने रिसर्च किया, उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज भी बता रखी है, तो वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये देखना है कि BMS का कॉलेज कैसा होता है, कॉलेज लाइफ कैसी होती है, तो मैंने कुछ व्लॉग्स उसके भी डाल रखे हैं, तो आप मेरे चैनल पे वो भी जाके देख सकते हो। और BMS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन व्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Myself अक्षिता शर्मा एंड आई एम द फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ ए BMS कॉलेज एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। तो BMS का सबसे बेसिक और सबसे पहला स्कोप है क्लिनिकल प्रैक्टिस। आप जब BMS का कोर्स पूरा कर लेते हो ना विद इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप सब में मैंडेटरी होगा, कोई भी अगर आप BMS के बाद जॉब करना चाहो तो आपकी इंटर्नशिप जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर BMS कोर्स आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, एज ए जूनियर डॉक्टर आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, एक पर्टिकुलर डिजीज पे आप वर्क कर सकते हो, जैसे पाइल्स फिस्टुला स्किन डिजीज है, इनके आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, वो है पंचकर्मा। मतलब इसमें स्कोप अभी बहुत ज्यादा बढ़िया है। इसमें होता क्या है मैं आपको बताती हूँ। पंचकर्मा जो है ना, आयुर्वेद में एक थेरेपी प्रोसेस होते हैं जिसमें अलग अलग प्रोसेस आती है, जैसे अभ्यंग करना, स्वेदन, और फिर कुछ उत्तर बस्ती, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, शिरोधारा वगैरह। आप अब जब आगे पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो इनसे होता क्या है, जैसे कोई भी क्रॉनिक डिजीज है ना, जैसे हमारी बोन्स रिलेटेड कोई इश्यू है, हमारे बैक पेन अगर होता है या जॉइंट पेन कुछ होता है, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो पंचकर्मा से बहुत अच्छे से क्योर होती। इवन मैंने तो ये भी देखा है कि जो पैरालिसिस के पेशेंट है ना, वो पंचकर्मा से क्योर हो रहे हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया स्कोप है। और ये थेरेपी के चार्जेस जो होते हैं ना, जैसे पर विजिट जो है पेशेंट का थेरेपी का चार्ज लगेगा, तो उस अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। पता है आपको, आप बिलीव नहीं करोगे, पंचकर्मा से ना महीने के लोग 14-15 लाख अर्न कर रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस? पर बिलीव करना पड़ेगा, ऐसा सच में है, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी आती है तो। ओके, सो सेकंड स्कोप की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्टेड है, जैसे अगर आपको लेक्चरर बनना है BMS में, तो आप आफ्टर BMS AIPGT का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्यूरिंग इंटर्नशिप इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जो थोड़ा सा टफ पड़ता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे है तो कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़िया होता है। जैसे MBBS में PG होती है ना, वैसे आयुर्वेद में भी PG होती है, इसका नाम AIPGT है। ओके, सो ये करने के बाद आपको पर मंथ अच्छा स्टाइपेंड भी मिलता है, और अगर आपकी बहुत ज्यादा अच्छी कॉलेज है तो आपका स्टाइपेंड भी हाई होता है वहां पर। तो आफ्टर PG अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एज ए लेक्चरर पोस्ट पे जा सकते हैं। और अगर आपको जैसे लेक्चरर नहीं बनना है, फिर भी मेरा ओपिनियन है कि आपको MD जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका स्टेटस भी एक तो हाई होता है, प्लस आप कहीं पे भी अगर जॉब करने जाओगे तो आपको सैलरी भी एज कम्पेयर टू BMS आपको ज्यादा मिलेगी। इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपका नीट का एग्जाम होता है ना, फिर मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग होती है और उस अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है, वैसे ही AIPGT में क्या होता है कि इसमें भी जो मार्क्स आते हैं ना आपके, उस अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मिलता है पर्टिकुलर, और 3 साल आप उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे स्टडी करते हो, उसी स्ट्रीम में आप पढ़ते हो। तो ऐसा नहीं है कि BMS में सिर्फ आयुर्वेदा सब्जेक्ट ही है, इसमें मॉडर्न सब्जेक्ट भी है। जैसे थर्ड ईयर BMS में ना आप पढ़ते हो OBS, GYN, PEDIA, फाइनल ईयर में आप पढ़ते हो सर्जरी, ENT, तो ये जो
क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है ना, इसमें भी आप पीजी कर सकते हो। तो ये जो कंपटीशन है ना, इसको कम मत समझो, आप बीएमएस को बिल्कुल भी कम मत समझो। आगे जब आप बीएमएस के जाओगे ना, तो बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत कंपटीशन आपको यहाँ भी मिलेगा। और इसके अलावा एक एग्जाम और होता है आफ्टर बीएमएस, आप सीआरएवी एग्जाम भी दे सकते हो। ये भी एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होता है, और इसका जो सिलेबस है इस एग्जाम को देने का, वो एज इट इज पीजी एग्जाम की तरह ही होता है। पूरा सिलेबस बिल्कुल वैसा ही, आपको वही पढ़ना पड़ता है इसको क्रैक करने के लिए। तो अगर आप ये एग्जाम क्रैक कर लेते हो, तो आपको 1 ईयर के लिए पूरे ऑल इंडिया में गुरु अलॉट होते हैं। उस गुरु के अंडर आपको ना पूरा प्रैक्टिस करना होता है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस स्किल्स अच्छी हो जाती है। एक बात मुझे आपसे और करनी थी, जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स नीट में बहुत लो हैं और उनको लगता है कि उनको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होने वाला है, और वो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, बट उनको एडमिशन प्रोसेस नहीं पता है, उनको काउंसलिंग के बारे में अगर नहीं मालूम है, सो हियर आई एम टू हेल्प यू। हमारी टीम है जो आपको काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए हेल्प करेगी, आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाएगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक पे क्लिक करना है, उसमें आपको वो फॉर्म फिलअप करना है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड है, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। हमारी टीम आपको ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट प्राइवेट कॉलेज दिलाएगी, जो एनसीआईएम से अप्रूव्ड होगी, बेस्ट लोकेशन भी होगी और कॉलेज अच्छी होगी। एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो प्राइवेट कॉलेजेस की फी है ना ऑल इंडिया में, एवरेज एक मैं बता देती हूँ आपको, पर ईयर जो है 2 लाख से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 to 5 lakh होती है, ठीक है। सो इस रेंज में पर ईयर आपकी फीस लगेगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिनको, मतलब जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमारी टीम ये कोशिश कर सकती है कि थोड़ा सा उसके चार्जेस कम करा सके, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंस्टा के थ्रू। तो नेक्स्ट हम स्कोप की अगर बात करें, गवर्नमेंट स्ट्रीम में अगर आपको बीएमएस में जॉब करनी है, तो आफ्टर बीएमएस आपकी पीएससी पे पोस्ट निकलती है, पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें क्या होता है, ये हर स्टेट की अलग अलग पोस्ट होती है, तो इन वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट होती है आरबीएस के, और उसके अलावा एक पोस्ट और होती है सीएचओ की। सीएचओ की भी हर स्टेट की अलग अलग होती है, तो उस अकॉर्डिंग उसमें आप वैकेंसीज आने पर आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बीएमएस कोर्स किया है, तो आप फार्मेसी वाली स्ट्रीम में भी जा सकते हो, आप अपना एक बिजनेस कर सकते हो फॉर ए पर्टिकुलर मेडिसिन, आप उसमें वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट यू कैन बी एन आयुर्वेदिक डाइटिशियन, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। इसमें आप वात पित्त कफ दोषों के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर पेशेंट की डाइट डिसाइड करते हो, कि उसको क्या खाना है, कैसे रहना है, किस टाइम सोना है, किस टाइम क्या करना है, और क्या क्या उसको अवॉइड करना है। तो इस चीज की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोगों की जो डाइट है, हेल्थ इश्यूज है, वो कहीं ना कहीं स्केड्यूल और खाने पीने की वजह से ही है। तो ये थे बीएमएस के स्कोप, जो आफ्टर बीएमएस कोर्स आप इनको कर सकते हो, तो बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट इनके देखोगे, और अगर बीएमएस में कदम रखोगे, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, मतलब एक नई एनर्जी के साथ अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करना। और एक बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि आप कॉलेज चाहे गवर्नमेंट लो चाहे प्राइवेट लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो बस वो प्राइवेट कॉलेज अच्छी होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लो, मस्ती करो, पढ़ाई करो, और मेरे वीडियोस देखते रहा करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।